सीए एनआरसी जब लगा हुआ था तब भी मैंने कहा था ये सीए एनआरसी जो है घातक है, ये घातक है, ये लोग आपकी जो आज़ादी है ये ख़त्म करने वाले हैं, ये आपको आराम से मरने नहीं देंगे, क्योंकि सारा जो खेल है वो आत्माओं का है, कौन कितनी आत्मा टेक ओवर कर लेता है, कितनी आत्मा टेक ओवर करेगा वो राज्य करेगा। शैतान के पास ज़्यादा आत्मा हुए नहीं रहती थी, कल खड़ा हो चल रहा दीदी सर जो जितनी आत्मा टेक ओवर करेगा वो राज्य करेगा, सीधी बात है। शैतान बीजेपी वालों ने मोहब्बत सिद्ध कर लिया तो आज महाराष्ट्र में आ गए और सेंट्रल में आ गए। अगर इसी शैतानों का सांसदीय बहुमत और विधायकीय बहुमत अगर हटा देंगे तो सत्ता से भाग जाएंगे, और अब तो बस हो गया, अब इनको इलेक्शन का मौका ही नहीं देने का है, अभी इलेक्शन विलेक्शन नहीं होने वाले है, ये आखिरी मौका था, ये गुजरात का इलेक्शन भी नहीं होगा, जो कैंपेन कराना है कर लो, लोग घरों में घुस घुस के जो भी विधायक रहेंगे ना खड़े वाले बीजेपी वाले हो या आम आदमी पार्टी वाले, सारे मुख्यमंत्री सुन लो, तुम्हारे घरों में घुस के मारने वाले हैं लोग तुमको। मैं ये सिर्फ आपको क्राइम ब्रांच की सीक्रेट रिपोर्ट आपको सुना रहा हूँ, मैं ये क्राइम ब्रांच की सीक्रेट रिपोर्ट है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, आपका क्राइम ब्रांच आपको देने से डर रहा होगा, मैं सुना देता हूँ। घर में घुस के मारेंगे, मुख्यमंत्री निवास में घुस के मारेंगे, जलाने को कम नहीं करेंगे भाई साहब। प्रधानमंत्री मोदी को, उनके एसपीजी को ये मेरा कहना है, भाई साहब आपने अपना 8,000 करोड़ का प्लेन जो है ना वो रेडी रखे, झोला रेडी रखे और भाग जाए यहाँ से मालदीव में, बाकी किसी देश में तो एंट्री मिलेगी उस देश का बहुत बुरा हाल करेंगे हम, जो भी इसको पनाह देगा, जो भी मोदी को पनाह देगा, अमित शाह को पनाह देगा, उसका अगले 6 महीने बाद बहुत बुरा हाल हम करेंगे, जाएंगे तो हम ही आएंगे, तो हम ही उसका टेंशन मतलब कैसे आएंगे, क्या आएंगे, क्या स्ट्रेटजी है हमारी, वो हमारे हमारे पास है, तुम तुम्हारा देख लो, तुमने सारे पत्ते बिछा दिए, लॉकडाउन लगवाया हमको, महामारी के टीके लगवाए, हमारे धंधे पानी डुबा दिए, हम तुमको समझा रहे थे अरे बस करो रे मोदी, अरे बस करो रे मोदी, अब तुमको वार्निंग ख़त्म हो चुकी है, आएंगे तो हम ही, जहाँ भागना है भाग लो, जो भी देश तुमको बना देगा फिर वो इजराइल भी क्यों ना हो, घर में घुस के मारेंगे साले, तो लग रहा होगा मौसाद मिसाद बैठा है वहां पे, तुम्हारे पास रखो मौसाद, हमारे साथ डिवाइन है, उनका भी बाप है, जो लूसिफर को मार सकता है वो मौसाद कह चाहिए, एक्टिव हो चुका है, उसका सिंबल आ चुके हैं, सिग्नल्स आ चुके हैं, अगले महीने से आंदोलन स्टार्ट होने वाला है दिल्ली में, जब बुलाएंगे तब आइए, और खास करके उन चिंदी चोरों का नाम और मोबाइल नंबर अगर आपके पास मिल जाता है ना लिख के रखिए, जो ट्रोल कर रहे हैं अभी राकेश जी को मुझको, और सेकंड आप उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, उन मंत्रियों के, उन सांसदों के, उन बिजनेसमैन के नाम एड्रेस लिख के रखिए जिन्होंने बहुत पैसा कमा के रखा है, जब हम आएंगे और जब हम मांगेंगे, एक मेल आईडी हम डिक्लेयर कर देंगे आपको, इस मेल आईडी पे या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप उसी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, सारा पैसा इन्होंने जो कमा के रखा है ना भारत के लोगों से, भारत के सिस्टम से, सारा एक एक रुपया निकाला जाएगा, और टेंशन मतलब सब ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, सब आपको ब्रॉडकास्ट करके दिखाया जाएगा कितना कमाया है इन लोगों ने भारत के लोगों से, कितना हमने रिटर्न ले लिया है। अंडमान निकोबार की जेल याद है, फिर से रीडेवलप करेंगे और इन सालों को सही उसे काला पानी में डालेंगे, भारत की भूमि रहने लायक नहीं है, को अपने केंद्र शासित प्रदेश में भेज देंगे अपन अंडमान निकोबार में। डिटेंशन सेंटर कब काम आएंगे, मोदी ने बनाए हुए डिटेंशन सेंटर, इन लोगों के पैसे से बनाए हुए डिटेंशन सेंटर, हम
अंबानी, अदानी, नीलकानी, टाटा, इन लोगों के पैसे से बनाए हुए डिटेंशन सेंटर, इन लोगों ने हमारे पैसे से कमाए हुए, इन्हीं को दिए हुए डिटेंशन सेंटर कब काम आएंगे, सड़ाएंगे इनको आप, लिख लेना ये चीज़ याद रखना। अब जलेगी तो बहुत आईटी वालों की, 40 पैसे वालों की, हम हमसे विरोध करने वाले अंधभक्तों की। जलने दो, कुछ नहीं कर सकते हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे जलने के सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे औकात नहीं है हमसे कंपेयर करने की, हमसे कॉम्पीट करने की। तो जलो, जलते रहो। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो एक्शन हुआ FBI का, उसकी वजह से लोग वहाँ पे गुस्सा हो गए, और जो स्टेट्स में गवर्नर के इलेक्शन चल रहे थे, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप थोड़े पिछाड़ी पे था, 19-20 पे चल रहा था, भारी मार्जिन, 50% मार्जिन से वो जीत के आ रहा है। उसके सारे गवर्नर्स जो उसके, वो सिर्फ 4 या 6 लगभग 17 गवर्नर के इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे स्टेट्स के, और वहाँ से 4 या 6 स्टेट्स में क्लियर कट रन था, उनका लीड था, और बाकी के जो थे उसमें से 6 या 7 में 50-50 चांसेस थे, मगर ऐसा हो चुका है 17 के 17 स्टेट्स में गवर्नर इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप लीड कर गया। डोनाल्ड ट्रंप क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये तुम जो है ना उस लेवल पे नहीं हो कि मैं तुमको समझाऊँ और बताऊँ। कुछ जूते लोग हैं जो मेरे बारे में कह रहे हैं कि डॉक्टर जगदाड़े क्यों कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आना चाहिए और ये है वो है ये है। आप लोग उस लेवल के नहीं हो कि मैं आपको समझाऊँ। आपको जो बड़बड़ करनी है मेरे बारे में, मतलब क्या करना है ग्रुप के ऊपर वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज से भी वीडियो डालना बंद कर दूँ ना, मेरा कुछ घंटा कुछ नहीं जाता है। क्या मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, जो करना है वो भी करूँगा, आंदोलन में जाऊँगा, बैठ जाऊँगा, कर जाऊँगा। तुम लौड़ों को पता भी नहीं चलेगा कि कब महाभारत हो गया और कब खत्म हो गया अगर मैं आज से बंद कर दूँ बताना। क्या तुम लोगों को मैं आज से बताना बंद कर दूँ ना कि क्या हो रहा है, तो महाभारत जो हो रहा है कल की का तुमको घंटा कुछ नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि ये सारे जो इतने यूट्यूबर्स है ना, ये सारा कंटेंट चुराते मेरे से ही या फिर राकेश शर्मा से, क्योंकि इनके पास तो कोई है नहीं है, इनके पास तो कोई है नहीं जो इनको बताएगा। इनके गुरु बिरु सब इनसे पैसा खा पी के फॉर्चुनर बिर्चुनर में घूमते हैं, गुरु इनको कुछ नहीं देते, गुरु उनके सिर्फ ज्ञान फैलते हैं। समोसे के साथ हरी चटनी खाओ और लाल चटनी खाओ, ये उनका ज्ञान है क्या? तो इसलिए ये चैलेंज मत करना मेरे साथ कि ऐसा होगा, मत मता नहीं करना है, मैं बताना बंद कर दूंगा भाई साहब। पूरे YouTube में सर पीटते हिंडोगे कि भाई कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है, कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही। That the entire Indo-Pacific region will benefit from Quad. He said any reservations to activities of the four-nation bloc of India, US, Japan and Australia is possibly a unilateralist opposition to collective and cooperative endeavors. Speaking at the prestigious Chulalongkorn University in Bangkok yesterday on India's vision of the Indo-Pacific, Dr. Jaishankar said the Quad is the most prominent plurilateral platform that addresses contemporary challenges and opportunities in the Indo-Pacific. He said it has been meeting at the highest level in recent years, and the Quad had a summit in Tokyo a few months ago. Dr. Jaishankar said the energies of the Quad are directed at a very broad range of activities. They range from maritime safety and security, humanitarian assistance and disaster relief, cyber security, critical and emerging technologies and connectivity to education, health and even space cooperation. The External Affairs Minister said that the role of the Quad in the delivery of public goods can also be very significant. He said that they are confident that the entire Indo-Pacific region will benefit from its activities, and that is validated by the growing recognition of its importance in the international community.
China is currently witnessing extreme weather conditions across the country, with some regions hit by record heat waves and drought, while others facing flood-related disasters. At least 17 people were killed and 17 others remained missing after a flash flood hit Gatonghui and Tu Autonomous County in Qinghai Province. The state media reported a state level 3 emergency response was initiated.